ये है बनारस, शिवजी के त्रिशूल पे बसा हुआ दुनिया का सबसे पुराना शहर, जिससे हम सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन द लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। अरे भाई, 25,000 सालों का इतिहास है यहाँ पर, और हमारे शिव जी यहाँ विश्वनाथ के रूप में बसते हैं। आप सभी का स्वागत है बनारस में। अब इससे पिछला दो व्लॉग में तुम आ चुके हो। नहीं। हाँ, अब काहे छुप रहे हो चुका है तुम्हारा खुलासा। क्या? Like, I know, yeah. Because you know that there's a camera, you know, recording you. No, it's not about the camera recording. It's about the, it's going into public. Like right now, when you have this moment, how many people? वो question is, how many people know? कितने लोग जानते हैं? Like you don't, you might not come across this problem. Now we are like, now this conversation is not private. Now this conversation is public. So many people will know. So then there's a consciousness that comes into picture, like you're speaking on the mic or something. Yeah, but again, like Choti and Mummy, they speak. उनको practice हो गया था। Practice नहीं, वो पहले से ऐसे हैं। और उनको पहले से ही बोला गया कि कैमरा के सामने वही रहो जो रहते हो, भूल जाओ there's a camera. बैठी हुई है, ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा हम लोग को। सुबह सुबह हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो वी हैव कम टू दिस प्लेस। क्या है ये? अनकुट लिखा है। अनकुट रेस्टोरेंट का नाम है, विनायक मेरे ख्याल से होटल है। बाप रे, यहाँ पे इतने लोग झटपट साटपट टा टा ढा ढा। और ऐसा भी नहीं कि कोई किसी का मतलब रुकेगा, किसी के रुक रहा है नहीं, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। इससे याद आया, कल कुछ ऐसा हुआ था शाम को कि क्या हुआ, हाँ इससे याद आया, कल जब हम लोग बनारस में एंट्री लिए, ठीक है, बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि ऐसे हमको रिकॉर्ड करते करते पलट कैसे लिया अचानक से, एकदम परफेक्ट एंगल भी नहीं, नहीं ऐसे कैमरा उल्टा करने का परफेक्ट एंगल एकदम वो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है इधर उधर नहीं, हम अगर करेंगे तो ये आएंगे अगर हम बोले। हाँ तो ये देखो नहीं रहा कैमरा, हमको खाली इधर से पलटा के इधर लेके आना है। नहीं समझे, प्लेस इज लिटरली जैम पैक। हम लोग जब रात में चले थे, मतलब जो हम लोग रात में पहुंचे यहाँ पे आके, हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होटल ढूंढने के लिए। हमारी भी गलती है, हमें रियलाइज़ नहीं किया कि हम लोग वीकेंड पे छुट्टी लेके आ रहे हैं, प्लस बुक फ्राइडे भी है तो इतना भीड़ होगा, प्लस होटल पहले से बुक करना चाहिए था। सब हमने सोचा रहे हो जाएंगे, ऑल ऑफ अस आर बनारसी, हाँ क्योंकि हम मदन मोहन मालविया का वो भी तो कहते हैं। ओ यस, मतलब हमको ना, हम लोग को ये लगा कि अरे हमारा ही शहर है, चलो हम तो। वैसे ये चीज़ भी मुझे कल पता चली, शायद पिछले ब्लॉग में मैं पूरा बोल पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम बिट्स लिया है, कि जो BHU यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, बनारस यूनिवर्सिटी, वो इन लोग के फैमिली से है, मतलब पर नाना जी थे उनके। चौक पे अपना नाम है भाई। चौक पे नाम है। हम लोग काफ़ी देर से ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, इन्होंने ब्रेकफास्ट में थाली ऑर्डर की है ताकि हम लोग सबका पेट भरा रहे। आ गए हैं डॉन जी। क्या बताएं, बाप रे, थाली में इतना सारा सामान आ गया, चार रोटी पूरी। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हमने सोचा कि अभी हमें काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लेना चाहिए पहले, उसके बाद बाकी का कार्य किया जाएगा। तो हम जा रहे हैं अपना टिकट्स लेने के लिए। ये गली में तो कुछ भी नहीं पता चला, जो मेन गली थी ना जहाँ से लाइन लगती है, जहाँ पे वो जो टिकट का सेंटर है, वहाँ इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, इतना जाम था कि आज वहाँ पर टिकट ही नहीं मिल रहा था। धन्यवाद। वहाँ पहुँचने के बाद हमें ये भी पता चला कि उस दिन वहाँ पे टिकट्स मिलना ही बंद हो गए थे, क्योंकि इतना जाम हो गया था तो उन्होंने टिकट्स जो है रद्द कर दी थी अंटिल फर्दर नोटिस।
रिजर्वेशन कर लेंगे, बट इतनी भीड़ हो के रखी है आज, इतनी ज़्यादा भीड़ दैट हमें टिकट्स ही नहीं मिली हैं. ऑनलाइन तो कुछ मिला ही नहीं, ऑफलाइन भी नहीं. आज वहाँ टिकट्स बंद हो गई हैं, मतलब आई थिंक वी शुड हैव टेकन इट इन द मॉर्निंग, बट वो नहीं हुआ. तो हाँ, अभी तक हम मंदिर भी नहीं गए हैं. अभी तक वहाँ से आने के बाद इतना थक चुके थे, वी स्लेप्ट फॉर सम टाइम बिकॉज धूप में खड़े खड़े बहुत समय हो चुका था. प्लस हम लोग हैबिचुएटेड नहीं है. इनका तबीयत ख़राब हो गया था लेकिन तो हमें वापस भी आना था. अभी हम लोग बस संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, वहाँ का दर्शन ख़त्म हुआ है. अब हम जा रहे हैं वापस मतलब अपने होटल की तरफ. इतना ऑल्टरेशंस ऑफ प्लान्स हो रहा है ना, मतलब एक जो स्मूथ दर्शन होते हैं ना वो अभी तक हुआ ही नहीं है. बस कुछ ना कुछ ऑल्टर हुए जा रहे हैं. फिलहाल अभी हम लोग अपना गाड़ी छोड़ चुके हैं. वी हैव लेफ्ट इट हनुमान जी के मंदिर के पास ही. वी सोचे थे विंध्याचल जाएंगे, फिर अगर वहाँ जाते तो गंगा आरती मिस हो जाती. तो मतलब बहुत सारा इधर उधर हटर पटर चले जा रहा है. सो दैट इज अ लॉट ऑफ ऑल्टरेशंस. जहाँ इनको बेड दिखता है ना, सबके सब सेम है कैटेगरी के आदमी, सब बेड में पड़ते खाली इसको छोड़ के. अरे काहित यार, दो मिनट में छिपने लग जाता है. सब बोलेगा कैमरा में शर्माता रहता है. नहीं शर्माते कहाँ. वी आर बैक इन आवर होटल रूम. मंदिर से आने के बाद हम लोग सोचे थे खाना वाना खाएंगे, बट हमने दो राउंड ऑफ लस्सियाँ पी ली. एक एक और एक दुकान से पी, केसर वाली लस्सी और दूसरी भी कौन सी लस्सी थी मोटा, केसर बादाम लस्सी और रबड़ी वाली लस्सी. हाँ, दो लस्सी पी और इतना पेट हमारा फुल हो गया ना, दैट लाइक देयर इज नो अदर स्पेस लेफ्ट. 6:30 हो रहा है बट और अभी गंगा आरती देखना है हम लोग को. यही एक चीज था जो मेरे को ना बहुत डेस्परेटली देखने का मन था. बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि हम एकदम लोकेशन पे है. मतलब हमारा जो ये क्या बोलते हैं होटल है ना, एकदम ही लोकेशन पे है. मतलब मुझे ना नीचे जाके गंगा आरती देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट मी शो यू इट. तो ये हम लोग का रूम है, मतलब बहुत ही छोटा सा गेस्ट हाउस है जो बहुत प्यारा है. और यहाँ पे ठीक सामने ही गंगा आरती होगी, ठीक है. और यहाँ भीड़ देख रहे हैं, इतना सारा भीड़ आया हुआ है. मतलब हम सोचे नहीं थे कि गंगा आरती देखने के लिए इतनी भीड़ जमा होती है. मतलब उस साइड से भी लोग, अरे ये तो ब्लर हो गया है, हाँ उधर से भी लोग नाव में आके वेट कर रहे हैं. और इधर वो जो ऐसे पोडियम्स बने हुए हैं ना, वहाँ पे पंडित जी लोग खड़े होकर आरती करते हैं. और यहाँ से पूरा भीड़ लगा हुआ है, पूरा भीड़. मतलब कुछ एक संजोग टाइप सी था कि हम लोग को ये ला जगह मिल गया, वरना हमें रात में ना कोई भी जगह नहीं मिल रही थी. देखो जहाँ बहन लोग होती हैं, भाई लोग एकदम पटक के देखते ओके. सो हम ना अपने होटल के ना छत पे आ गए. वो हम जो ओनर है ना, वो बोले ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके और अच्छा व्यू आएगा. सो हम लोग ना छत के होटल के छत पे आ गए. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वर्थ व्यू टू वॉच. वेट लेट मी शो यू. कैप्चर नहीं हो रहा, बोला कट गया कौन सा ऊपर वाला सबसे ऊपर पकड़.